वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हीरू फैरवानी, बीए पार्ट थर्ड पेपर सेकंड, सीआईपी कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलॉसफी। बच्चों, हम कह रहे थे डॉक्टर राधाकृष्णन के ईश्वर संबंधी विचार, धर्म और धार्मिक अनुभूति। आज हम करेंगे डॉक्टर राधाकृष्णन के ज्ञान प्राप्ति के तरीके या ढंग, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ज्ञानोपार्जन के साधन। ज्ञानोपार्जन का मतलब है ज्ञान को कैसे उपार्जित किया जाता है, ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है। तो ज्ञानोपार्जन के अलग ढंगों की जो राधा कृष्णन ने विवेचना की है, वो उन्होंने अपनी तत्व मीमांसा में इस आधार पर प्रस्तुत की है कि जो परम सत्ता का ज्ञान है वो सदैव वास्तविक होता है, परंतु सत्ता का जो मूल स्वरूप है वो हमारे ज्ञान प्राप्ति के साधारण ढंग से उपलब्ध नहीं हो पाता। यानी हमारी बौद्धिक शक्ति में इतनी क्षमता नहीं है कि हम अपने साधारण ढंग से ज्ञान या सत्ता के मूल स्वरूप को जान सकें। ठीक है, सांख्य दर्शन ने भी अपनी भारतीय परंपरा के अनुरूप ही विवेकशीलता से ऊपर उठकर सृजनात्मक अंतर्दृष्टि को स्वीकार किया है। तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने ज्ञान प्राप्ति के तीन तरह के तरीके बताए हैं या सोपान बताए हैं। एक तो तरीका है इंद्रिय अनुभव के द्वारा, दूसरा है बौद्धिक ज्ञान से, और तीसरा है अंतः अनुभूति यानी अंतर्दृष्टि से। तो डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कि ज्ञानोपार्जन के जो ये तीन ढंग हैं, ये अपनी अपनी अलग विशेषताएं रखते हैं। इंद्रिय अनुभव और बौद्धिक ज्ञान जो है वो परम सत्ता को जानने में मदद तो करते हैं, परंतु उस सत्ता के मूल स्वरूप का हमें बोध नहीं करा पाते हैं। ठीक है, तो फिर कौन बोध करवाएगा? तो ये बता रहे हैं कि वास्तविक सत्ता का बोध जो है हमारी अंतः अनुभूति या अंतर्दृष्टि के द्वारा ही किया जा सकता है। तो आइए हम अब ज्ञानोपार्जन के जो ये तीन रूप हैं उनको अलग अलग दृष्टिकोणों से समझेंगे। सबसे पहले आते हैं हम इंद्रिय अनुभव पर। इंद्रिय अनुभव में हमारे सामने जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं उनके लक्षण, जैसे गुण, आवृत्ति आदि, जो उसके बाह्य पक्ष हैं, वो तो उनका तो हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं या उनका हम प्रत्यक्षकरण कर लेते हैं। और इसी तरह से मानव के संबंध में भी उसका शारीरिक पक्ष यानी जो उसका भौतिक रूप है, जो बोध स्वरूप है, वो हमें प्राप्त होता है। तो इंद्रिय अनुभव को आधार बना करके हमारा मन जो है वो विचारों की रचना करता है, परंतु इंद्रिय अनुभव का ज्ञान जो है वो संपूर्ण रूप नहीं है। इस दृष्टि से हमें एक केवल सीमित दृष्टि उपलब्ध होती है जो जीवन तो चला सकती है, परंतु हमें उसका वास्तविक बोध नहीं करा सकती। यानी हमारी इंद्रियों में इतनी क्षमता नहीं होती कि वो वस्तु के वास्तविक स्वरूप का हमें ज्ञान दे। तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने इंद्रिय अनुभव को यथेष्ट नहीं माना है। क्यों नहीं माना है? कि इंद्रियों से हमें विषय के सार रूप का ग्रहण नहीं हो पाता, केवल उसके बाह्य पक्ष की जानकारी मिलती है। और इंद्रिय अनुभव पर विश्वास भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इससे हमें भ्रम की सदैव गुंजाइश बनी रहती है। ठीक है, तो इंद्रिय अनुभव पर आधारित जो ज्ञान है वो सापेक्ष होता है,
और वो सत्ता को संपूर्ण रूप में ग्रहण नहीं कर पाता। तो डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कि इंद्रिय अनुभव उपयोगी तो है, परंतु वास्तविकता या सत्ता के ज्ञान के लिए यथेष्ट नहीं है। दूसरा उन्होंने ज्ञानोपार्जन का सोपान बताया, बौद्धिक ज्ञान। बौद्धिक ज्ञान जो है ज्ञानोपार्जन का दूसरा ढंग है। इसमें मन द्वारा विचारों को ग्रहण किया जाता है। राधा कृष्ण इसे भी यथेष्ट मानते हैं, क्योंकि ये ज्ञान जो है साक्षात न होकर के परोक्ष होता है। परोक्ष यानी अप्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट इसका ज्ञान नहीं होता। इंद्रिय अनुभव जो हमें सामग्री देता है ना, मन उस पर संक्षेपण करेगा और विक्षेपण करेगा और उसे प्रतीक के रूप में धारण करता है। इसलिए हमारा बौद्धिक ज्ञान जो है वो वास्तविक न होकर के केवल प्रतीकात्मक रूप में हो जाता है। तो डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कि बौद्धिक ज्ञान में अद्वैत की पूर्ण रूपता का ज्ञान नहीं हो पाता। अद्वैत का आपने तात्पर्य वेदांत दर्शन में पढ़ा है। अद्वैत का मतलब है सत्ता के दो रूप नहीं, परन सत्ता एक है। तो ये कह रहे हैं कि बौद्धिक ज्ञान का जो अद्वैत रूप है उसका पूरी तरह से हमें ज्ञान नहीं हो पाता है, क्योंकि यह जो है दृष्टि की पृथकता का विलक्षण करती है, यानी जो किसी दूसरे में नहीं होती, एक स्पेशल ज्ञान होता है। यह ज्ञाता और ज्ञेय का द्वेत स्वीकार करके आगे बढ़ती है। यानी ज्ञाता यानी जो ज्ञान प्राप्त करने वाला है, ज्ञेय यानी वह विषय जिसे हम पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। इन दोनों का द्वेत स्वीकार करके ये आगे बढ़ता है। कौन आगे बढ़ता है? बौद्धिक ज्ञान। इस तरह इसके ज्ञान में वास्तविकता पूरी तरह से प्रकट नहीं हो पाती, सिर्फ संबंधों का ही लक्षण प्रकट होता है। तो डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कि हमारा मानसिक रूप जो है वो केवल बुद्धि तक ही सीमित नहीं है, उसमें भावनाएं भी हैं, संकल्प भी हैं। इसलिए बौद्धिक ज्ञान इतना सीमित नहीं है जितना हम मान रहे हैं, लेकिन फिर भी इस ज्ञान से हमें सत्ता का पूर्ण रूपेण ज्ञान नहीं हो पाता। तीसरा इन्होंने सोपान बताया है, अंतः अनुभूति। डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कि ज्ञानोपार्जन का सही ढंग एकमात्र अंतर्दृष्टि है। इंद्रिय अनुभव और बौद्धिक ज्ञान जो है वास्तविक सत्य को जानने में समर्थ नहीं होते हैं, क्योंकि इंद्रिय अनुभव तो बाह्य लक्षण को ही जानता है, वस्तु के सार रूप को ग्रहण नहीं कर पाता है, जबकि अंतर्दृष्टि जो है उन दोनों क्षेत्रों तक भी पहुंच सकती है जहाँ इंद्रिय अनुभव पहुंच नहीं पाता। इसी तरह से बौद्धिक ज्ञान भी जो है वह किसी भी वस्तु को प्रतीकात्मक ढंग से ही ग्रहण करता है और तर्क वितर्क की दृष्टि से उसका विश्लेषण करता है, और यह विश्लेषण जो है अंतर्दृष्टि को यानी हमारी अंतः अनुभूति को सहयोगी तो हो सकता है, परंतु किसी सत्ता की पूर्ण रूप से अवगत कराने में यानी ज्ञान कराने में सक्षम नहीं हो पाता, जैसा कि हमने अभी इंद्रिय ज्ञान और बौद्धिक ज्ञान में पढ़ा है। तो अंतर्दृष्टि पर आधारित ज्ञान जो है वो साक्षात ज्ञान होता है, जिसमें ज्ञाता और ज्ञेय के बीच पूर्ण तादात्म्य हो जाता है, यानी ज्ञाता और ज्ञेय का जो द्वेत जो है इसमें समाप्त हो जाता है, और इस तरह जो विषय होता है वो विषय ही का अंग बन जाता है। तो डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कि अंतर्दृष्टि की अनुभूतियों को भावनात्मक अनुभूतियों के विश्लेषण से समझा जा सकता है। जैसे जैसे हम किसी के प्रति प्रेम की भावना रखते हैं तो उससे दूसरों को अपनों से अलग नहीं मानते, इसी तरह जब हमें क्रोध आता है तो हम क्या हैं और क्रोध क्या है इसका अलग अलग भेद नहीं कर सकते। तो अंतर्दृष्टि की अनुभूति जो है वो पूरी तरह चेतन होती है और उसमें जो भी बोध होता है वो एक पूर्ण इकाई के रूप में होता है। तो यह अनुभूति जो है साक्षात संपूर्णता में होती है और स्वतः सिद्ध ज्ञान होता है, जिसे किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो इस अनुभूति में सारे भेद जो है
समाप्त हो जाते हैं और यह विशिष्ट और व्यापक होती है। तो अंतर्दृष्टि विशिष्ट इसलिए है कि इंद्रिय और बुद्धि के जो भी कार्य हैं अंतर्दृष्टि में वे भी हम कर सकते हैं, और बुद्धि और इंद्रिय की पकड़ में आने वाला जो क्षेत्र है वो भी इस अंतर्दृष्टि से हम जान सकते हैं। तो मनुष्य की जो भावनात्मक अनुभूतियाँ हैं, निर्णयों का मूल्यांकन है, नैतिक संवेदनशीलता है और सौंदर्यात्मक अनुभूतियाँ हैं, इन सब को सिर्फ अंतर्दृष्टि के द्वारा ही समझा जा सकता है और अंतर्दृष्टि से ही परम सत्ता की अनुभूति संभव होती है। तो डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कि चरम सत्यों की जो अनुभूति है वो दृष्टियों की या सिद्ध पुरुषों को ही होती है, यानी एक तो है अंतर्दृष्टि को होगी या सिद्ध पुरुषों को ही होगी। इस अनुभूति को तर्कों द्वारा स्थापित हम नहीं कर सकते हैं और इसे बौद्धिक निर्देशों से भी समझने में सहायता की जा सकती है। तो इस तरह से डॉक्टर राधाकृष्णन ने ज्ञानोपार्जन के ये 3 सोपान बताए हैं। ओके, थैंक यू।